मैं बोलूं कि उधर हमको लगता है उन्हीं लोगों से देखो भाई, मैं बोलने में कम और काम करने में ज्यादा विश्वास है, और जो हम कहते हैं उसे हर संभव प्रयास करते हैं हम वो काम करें। आज 4 साल के इस उतार चढ़ाव के वक्त में आप लोग गवाह रहे हैं इन 4 साल के पूरे कार्यकाल का। अभी और देखेंगे कुछ समय और भी कि राज्य के कोने कोने पे लोगों के चेहरे पे जो मुस्कान, हमारे दफ्तर के बाहर, हमारे आवास के बाहर ढोल लगाड़े मिठाई अभी रंग गुलाल के साथ महिला पुरुष नौजवान निरीह कमजोर का आना, मुझे लगता है कि ऐसा मंजर अगर आप लोग को कभी दिखा हो तो हमें भी बताने का प्रयास करें। सभी साथियों को आज के समारोह में मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और मैं आप सब लोगों को अपनी ओर से जोहार करता हूं। आज आप लोग रांची के झारखंड के लगभग सभी जिलों से यहां आए हैं, और विशेषकर नौजवान साथी यहां है, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भी आप सदस्य रहे हैं, पदाधिकारी लोग भी हैं और काफी सक्रिय कार्यकर्ता लोग भी हैं। आज आप लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा में अपनी आस्था जताई है, इसके लिए आप लोगों का आभार और धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा कि आज आप लोग ने नया सदस्यता ग्रहण किया है, मैं इतना ही कहूँगा कि झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहाँ इस राज्य के अंदर बहुत सारे ऐसी कहेंगे कि आंतरिक क्षमता है इस राज्य में, जहां हम हर कोने में हर वर्ग हर व्यक्ति महिला पुरुष सभी के लिए एक मजबूत और अच्छी व्यवस्था खड़ी करते हैं। इस स्थिति में हम हो सकते हैं, राज अलग हुआ है, 24 साल होने जा रहा है, और राज अलग का इतिहास मुझे नहीं लगता है कि आपको बताने की जरूरत है, ना ही आने वाली पीढ़ी को बताने की आवश्यकता है। फिर भी इस राज का एक पहचान ये भी रहा है कि ये वीरों की धरती है, और इस वीर भूमि में कई ऐसे चीजें हैं जहां हम अपने आप को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बना सकते हैं। आज बतौर सरकार के रूप में हमारे 4 साल के कार्यकाल आपके सामने है, और आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने कितने चुनौती भरा समय में भी
हार नहीं मानी, हर चुनौती का हम लोगों ने मुस्तैदी से मुकाबला किया, चाहे वो कोरोना की बात हो, चाहे राजनीतिक संघर्ष की बात हो। आज गांव गांव, शहर शहर में लोगों के चेहरे पर मुस्कान है और हमारा ये हमेशा मानना है, राज्य तभी खुशहाल हो सकता है, तभी आगे बढ़ सकता है, तभी समृद्ध हो सकता है, जब राज्य की जनता के चेहरे पर मुस्कान हो। और हर प्रयास हमारा उसी ओर रहा है कि हमारे राज्य की जनता खुशहाल रहे और अपने इस खुशहाली के साथ राज्य को भी आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाए। योजनाओं की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन चार साल के कार्यकलापों को आप निश्चित रूप से ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम लोगों ने हर वो सोच इस राज्य में स्थापित करने की प्रयास की जो इस राज्य की जनता की हमेशा मांग रही है। मैं ये नहीं कहता कि हर चीज 100% करने में हम लोग अभी सक्षम हो पाए हैं, लेकिन आपको इस बात से अंदाजा लग सकता है, आप इस बात से आशा कर सकते हैं कि हमारी मंशा और हमारी सोच क्या है। हमारे विगत चार साल के कार्यकाल से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार की सोच इस राज्य के प्रति क्या है। इसलिए साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि आप युवा साथी एक ऐसा ताकत है जहां आप, अगर आप लोगों ने ईमानदारी से अपनी ताकत का उपयोग राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए और एक बेहतर राह पर चले तो उसका परिणाम और मंजिल भी हमें मिलेगा, नहीं तो बहुत सारे राह दिखाने वाले यहां आपको मिलेंगे, लेकिन वो ऐसे लोग आपके साथ और आपके सामने आएंगे कि उनका ना कोई मंजिल है ना वो कोई राह है, उनके सिर्फ सपने और लोगों को दिग्भ्रमित करने का उनके पास काम बचा है। हमें जीना यहां है, मरना यहां है, इसलिए ना हम इस राज्य की जनता के साथ धोखा कर सकते हैं ना राज्य की मिट्टी के साथ धोखा कर सकते हैं। इसलिए साथी, जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद।